मम्मी के हाथ में कैंडी थी जो नन्नू के लिए ली थी, लेकिन वो बंदर लेके चला गया। कहाँ गया बंदर? अरमानी की गॉगल्स जो कि मेरे जीजू ने मुझे गिफ्ट किए हैं। मंकी को ब्रेड्स डाल रहे हैं, डॉग्स भी आ गए। इस चीज से नहीं बच पाओगे भाई, जो ट्रैफिक है लैंडस्लाइडिंग की वजह से रोड्स काफी नैरो हो चुकी हैं, टूट चुके हैं आज रास्ते तो भाई रास्ते बहुत जाम है काफी देर से, हमें एक घंटे से। वाह वाह वाह, क्या नजारा है बालकनी से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? हम बहुत बढ़िया हैं। इतना अच्छा संडे बीते तो कौन इंसान नहीं अच्छा होगा। तो बहुत अच्छी सुबह हुई है, उठे हुए एक घंटा हो चुके मुझे तो। मैं तो कॉफी वॉफी पी के फ्रेशन अप हो के सब डन हो गया मेरा। और मौसम आज कुछ ऐसा है, धूप वगैरह निकली हुई है और अभी अंदर कुछ लोग आलस फैला रहे हैं जो उठ नहीं रहे हैं, जिन्हें हम कई देर से उठा रहे हैं। स्पेशली दिस मैन, दिस बर्थडे बॉय। हे बर्थडे बॉय, नशा करके सोए थे क्या? आंखें देखो चढ़ी हुई हैं। गुड मॉर्निंग, उठ जाओ, सवेर हो गई। वो लोग भी दिख रहे हैं कितने आलसी हो आप, कितना टाइम लगाते हो उठने में। ताजा। सो नहा धो के तैयार हो चुके हैं और ब्रेकफास्ट करने आए हैं सीधा। सुमेश यहाँ ऑलरेडी ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, पापा के लेने आया। अच्छा, ओके, गुड मॉर्निंग। पूरी भाजी सब कुछ है तो चलो मैं भी ले लेती हूँ पहले ब्रेकफास्ट, है ना। अब यहाँ हम करने लगे हैं ब्रेकफास्ट। अच्छा ब्रेकफास्ट है, अच्छा ब्रेकफास्ट, बिकॉज इतना ऊपर मतलब बिल्कुल पहाड़ों के बीच में आके अगर इतना अच्छा ब्रेकफास्ट मिल रहा तो दैट इज़ वेरी ओके। और नैन्सी दीदी और मम्मा उधर बैठे हैं नन्नू के साथ जो दिख नहीं रहे हैं। नन्नू का ब्रेकफास्ट चल रहा है, नन्नू का ब्रेकफास्ट चल रहा है, फिर नैन्सी दीदी करेंगे। और सुमेश के पापा जो हैं वो रूम में ही ब्रेकफास्ट उनके पास पहुँचा दिया गया है, तो अभी हम भी ब्रेकफास्ट करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। सो यहाँ के लिए हो चुका है। और ये हमारा दूसरा कमरा था जो दिखाया नहीं है, देखो इसमें से कैसे पेड़ निकल के आ रहा है, क्योंकि हिमाचल में ऐसे प्रॉपर्टी आप बना सकते हो लेकिन ऐसे ट्रीज को नहीं काट सकते, मतलब ऑब्वियसली बात है ना यार, ये पेड़ ही तो हमारा जल जीवन है। देखो पूरी जगह बनाई है इसके लिए, वैसे काफी नाइस प्रॉपर्टी थी, मतलब नॉर्मल रूम्स भी काफी अच्छे थे इसके, जिसमें रात को बर्थडे केक कट किया वो यही वाला रूम था। तो अच्छा था, मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा फील था। और यहाँ पे जो मौसम चेंज होता है ना, कभी धूप कभी बारिश वाला, वो एक डिफरेंट ही मतलब फील करवाता है, तो ओवरऑल बहुत अच्छा फील। या सुमेश आपके आउटफिट बड़ी कूल लग रही है, रेड सॉक्स बीच में वो रेड जो आ रहा है, मतलब कि जिस दिन जन्म होते हैं वो जन्म हमारा कैसे हुआ था, बच्चों की तरह, तो ये आउटफिट भी बच्चों वाली है, समझे? बहुत कट टू कट चल रहा है यार। तो अभी ये देखो, वैसे मेरे अरमानी की गॉगल्स जो कि मेरे जीजू ने मुझे गिफ्ट किए, मैं किसमें था दिखाया था यार, ब्लॉग में दिखाया था। घर वाले भी आ रहे हैं पीछे पीछे जद्दोजहद। अब तो आपका फोन मैं देख सकता हूँ, जो इतने दिन से आप मुझे अपना फोन नहीं देखने दे रहे। देखो सब देखो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। क्यों? क्योंकि अभी भी कुछ है। ओई मंकी आ गया। मम्मी के हाथ में कैंडी थी जो नन्नू के लिए ली थी, लेकिन वो बंदर लेके चला गया। कहाँ गया बंदर? नन्नू अच्छा लगा? यहाँ पे सभी बंदर बैठे हैं इसी तलाश में कब टूरिस्ट कुछ खाएं, रास्ते में जाते तो हम उनसे छीन ले। नीचे भी पड़े हैं, वो खा नहीं रहा। थोड़ा उधर डालो, गाड़ी है। एक सेकंड में पूरा पैकेट खाली हो गया। और वो इतना चलाक है, पता है, मुंह के अंदर दबा के बैठा, चबा नहीं रहा, वो इतना चलाक था। तो आ चुके हम हेरिटेज मार्केट, बारिश की वजह से थोड़ा लेट लगे मार्केट, या फिर हम थोड़ा टाइम से आ चुके, कितना टाइम हो चुका, क्योंकि जब ऐसे दुकानें वाने दिख जाती हैं तो बिल्कुल ध्यान हट जाता है। वैसे मैंने गॉगल्स चेंज कर लिए हैं, अरमानी वाली उतार दी हैं, क्योंकि यहाँ बंदर बंदर होते हैं, सुना है कि वो गॉगल्स चुरा ले जाते हैं, तो मैंने छुपा दी जेब। कैफे पे बैठे हैं, यहाँ पे मैगी खा रही है पूनम, घर वाले बैठे हैं, और अभी मैं यहाँ पे सब्सक्राइबर मिलने आए थे जो मार्केट से घूमते घूमते मैं सीधा यहीं पे मिलने के लिए आ गए, और यहाँ से मैं फोटो वोटो खिंचाई, बातें करी,
तो चलो अभी कुछ खाते हैं यार, मैं भूख लग रही है मेरे को, फिर आगे आपको दिखाते हैं। अगर आप हिमाचल आ रहे हो, आप सोच रहे हो कि लैंड स्लाइडिंग तो बंद हो चुकी है तो भाई बच जाएंगे ना, लेकिन इस चीज़ से नहीं बच पाओगे भाई, जो ट्रैफिक है लैंड स्लाइडिंग की वजह से रोड्स काफ़ी वो नैरो हो चुकी हैं, टूट चुके हैं आधे रास्ते, तो भाई रास्ते बहुत जाम है काफ़ी देर से, हम एक घंटे से मतलब अभी तक हम चंडीगढ़ पहुँच चुके होते हैं और हम अभी पहाड़ों में ही हैं, देखो जाम निकलो कितना। और ये अब हमने कैमरा ऑन करा है, ब्लॉग बना के दिखाया आपको, क्योंकि हम थक चुके थे, मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, लेकिन अब इतने टाइम से बैठे बैठे बोर हो रहे थे, उन्होंने कहा दिखाई दें भाई, अगर हिमाचल आने का प्लान कर रहे हो तो वैसे थोड़ा बहुत सेफ हो चुका है, बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है क्योंकि रोड्स काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, तो देख के प्लान करो, कहीं और प्लान कर दो, मुझे बता दो, मैं अभी चलूँगा। भाई साहब इन लोगों ने जो केक बनवाया ना, एक कमीनों ने, सबकी बारी आएगी, सबके जन्मदिन आएंगे, याद रखना, चुन चुन के बदला दूंगा मैं। चुन ओ भाई साहब देखना यहाँ पे एक और बंदा दोस्तों सबके नाम लिख रहे हैं बस, करेक्टर बनाया किसी का नहीं, बहुत प्यारा केक है, बट ये केक मैं नहीं दिखाऊंगा, 1000 कमेंट करो उस ब्लॉग के नीचे फिर दिखाऊंगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खोलो यार गिफ्ट खोलने को कह रहे हैं। अच्छा मेरे को लेंदे पैक कर देता ये माशा ने दिया है प्यारा भाई, यहाँ पर है नहीं, और जो कि हमारे व्लॉग से एडिट करता है, क्या कह रहे हो? मैं उन्होंने कह रहा मैं क्या आया नहीं, पता नेक्स्ट वीक मिल गया, सोने हैं जूते यार, जूते की कलेक्शन बहुत होगी मेरे को।